हेलो गाइज, क्या आपको मालूम है कि आपके जो किसी को कॉन्टैक्ट यदि आप शेयर करना चाहते हो तो क्यूआर कोड की मदद से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने क्यूआर कोड गूगल ड्राइव पे भेज दिया जो या जीमेल पे भेज दिया, तो उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना है, सबसे पहले थ्री डॉट पे जाएंगे कॉन्टैक्ट के, तो आपको शेयर का ऑप्शन दिखेगा। देखिए मैं थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे तो शेयर का ऑप्शन करने के बाद आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो तीसरा ऑप्शन है जो क्यूआर कोड का। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हमें जो क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब हम इसे कैसे भेजना चाहते हैं, गूगल ड्राइव पे भेजना चाहते हैं, फेसबुक पे भेजना चाहते हैं, जीमेल पे भेजना चाहते हैं या व्हाट्सएप पे भेजना चाहते हैं, आप किसी पर भी भेज सकते हैं। तो इसके द्वारा आप कॉन्टैक्ट शेयर कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि जो मैं व्हाट्सएप के द्वारा किसी को क्यूआर कोड भेज दूँ अपना। देखिए जैसे मैं व्हाट्सएप द्वारा क्यूआर कोड भेजूँगा तो सामने वाले के पास मैं क्यूआर कोड चला जाएगा। अब सामने वाला व्यक्ति आपके मोबाइल में क्यूआर कोड रीडर तो ज़रूर होगा, तो क्यूआर कोड रीडर का यूज करके वो उस फाइल को अपने जो क्यूआर कोड रीडर में खोल सकता है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर जो एमआई का जो क्यूआर कोड बार कोड स्कैनर है उसमें हमने जैसे इस फाइल को लेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और फिर हम इस मोबाइल नंबर को सेव कर सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पर यह फाइल सेलेक्ट कर ली, अब हमने इसे जैसे ही स्कैन किया तो यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट की पूरी जानकारी आ गई है। इसके द्वारा आप इस क्यूआर कोड का यूज़ कर सकते हैं। इस ट्रिक का यूज़ आप जब कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप किसी व्यक्ति से आपका नंबर शेयर करना नहीं चाहते लेकिन एक व्यक्ति है उसको आप अपना नंबर देना चाहते हैं और तीनों पब्लिक में खड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरा व्यक्ति जिसे आप देना नहीं चाहते वे आपका नंबर नहीं सुने, तो आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं और उसे जो क्यूआर कोड जो जिसे आप नंबर देना चाहते हैं क्यूआर कोड का शेयर ऑप्शन में यूज करके आप उसके ईमेल पर भेज सकते हैं या फिर गूगल ड्राइव या फेसबुक पर भी भेज सकते हैं या फिर व्हाट्सएप द्वारा उसे अपना नंबर दे सकते हैं।